सैन फ्रांसिस नर्सिंग होम में अध्ययनरत फर्स्ट ईयर की छात्रा की सवाई माधोपुर में हत्या। क्लॉक टावर थाना पुलिस कर रही है मामले की जांच। अजमेर के सैन फ्रांसिस नर्सिंग होम में अध्ययनरत फर्स्ट ईयर की छात्रा की सवाई माधोपुर में हत्या हो गई। इस मामले में सवाई माधोपुर SAST सेल द्वारा इस मामले की जांच अजमेर की उपयोगिता पर थाना पुलिस को सौंपी गई। इस मामले की जानकारी देते हुए क्लॉक टावर थाना प्रभारी सूर्यभान सिंह ने बताया कि विगत दिनों सैन फ्रांसिस नर्सिंग होम में फर्स्ट ईयर में अध्ययन कर रही छात्रा की हत्या सवाई माधोपुर में की गई थी। इस मामले में पीड़िता के परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस पूरे मामले की जांच अब तक थाना पुलिस को सौंपी गई थी। पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी है। उन्होंने बताया कि टोंक का रहने वाला अब्दुल अपनी आईडी छुपाकर सवाई माधोपुर के फिरोज नाम से युवती से चैटिंग करता था। उसकी हत्या क्यों और किस कारण हुई इसको लेकर पुलिस जाँच कर रही है। उपधीक्षक महोदय SAST सेल सवाई माधोपुर श्री ओम प्रकाश जी उज्ज्वल ने एक तहरीर श्रीमान SP साहब सवाई माधोपुर के नाम जारी की, जिस पर कि श्रीमान SP साहब सवाई माधोपुर ने SP साहब अजमेर को उस पत्र के साथ पूछताछ नोट मुकदमा नंबर 8/20 धारा 302 201 IPC की FIR व अन्य कागजात भिजवाए। जो कागजात श्रीमान SP साहब अजमेर के कार्यालय से थाना जब प्राप्त हुए, जिस पर मुकदमा नंबर 12/19 IT एक्ट में दर्ज किया गया है। इस प्रकरण में जो तथ्य हैं वो थाना आजा पर दिनांक 3/1 को एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिसमें ब्यावर रोड पर स्थित सेंट फ्रांसिस नर्सिंग होम से फर्स्ट ईयर नर्सिंग कोर्स कर रही एक छात्रा यहां से गायब हो गई थी, जिसके यहां पर थाना जाकर गुमशुदगी दर्ज की गई थी। उसी छात्रा की बॉडी जो है वो सवाई माधोपुर कोतवाली क्षेत्र में मिली थी, जिसके अनुसंधान में वहां पर ये पाया गया कि एक व्यक्ति जो है अब्दुल हक करके है, जो टोंक का देवली का रहने वाला है, वो मृतक का चंद्रकांता से चैटिंग किया करता था, जिसने अपना नाम फिरोज खान बता रखा था और सवाई माधोपुर का रहने वाला है ये बता रखा था। इस तरीके से उसने अपना गलत नाम और एड्रेस बता के चंद्रकांता से चैटिंग किया करता था। इस बाबत हमने यहाँ पर उसके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया है।